समाधान के लिए अपने आप को होम करता है और तभी महानता का रास्ता निकलता है। आज हम भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं, उनकी वंदना करते हैं, इसलिए क्योंकि भगवान राम ने अपने आदर्शों से हम सबके सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। हमारे यहां तो कहा गया रामो विग्रहवान धर्म, यानी धर्म की अगर कोई परिभाषा है और उसे अगर किसी एक छोटी सी व्याख्या में उसे सीमित करना हो, एक छोटी सी परिभाषा में सीमित करना हो, तो धर्म के बारे में जानना है तो भगवान राम के चरित्र के बारे में जान लो। वह धर्म के बारे में भगवान राम का चरित्र सब कुछ बता देगा और इसलिए हम सब प्रतिवर्ष रामलीला के आयोजन में इसी भव्यता के साथ, उसी उत्साह उमंग के साथ जुड़ करके उसे भव्यता भव्य स्वरूप देते हैं। आप सबने मौसम विपरीत होने के बावजूद आज इस रामलीला के कार्यक्रम के साथ जुड़े और मुझे बताया गया, यहाँ रामलीला समिति के द्वारा बताया गया कि रामलीला समिति के साथ इस भव्यता के साथ आप जुड़ रहे हैं। बड़ी लोकप्रिय यहाँ पर रामलीला का आयोजन हो रहा है और वह भी इस अवसर पर जब रामलीला कमेटी को अपना भव्य मंच और भव्य प्रांगण भी मिल गया है। आपने देखा होगा कितना सुरक्षित हो गया, कभी इस रामलीला मैदान पे कब्जा करने का प्रयास हो रहा था, यहां कब्जा करने का भी प्रयास हुआ था, तब जैसे तैसे एक बाउंड्री वॉल खींची थी रामलीला समिति ने और आज इसकी अपनी बाउंड्री हो गई है, भव्य मंच बन चुका है, भव्य तोरण द्वार बन गए हैं और उसी भव्यता के साथ रामलीला कमेटी यहां पर रामलीला के पात्रों को बुला करके इसका मंचन भी कर रही है। मैं रामलीला कमेटी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अपनी विरासत के प्रति सम्मान का ये भाव वे अनवरत बनाए रखेंगे। आप सब भी जगत जननी माँ भगवती और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उन आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। जगत जननी माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे, प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते हुए आप सबको विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।